प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत सलाहपुर में हरिजन बस्ती 1000 की आबादी है, जहां पर दलित के 100 परिवार और विश्वकर्मा गौर परिवार के लोग रहते हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक वहां पर विद्युतीकरण नहीं हो सका है, जिसे वहां के किसानों और विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ बिजली की तो बहुत दिक्कत पड़ती है। हाँ, हमारे यहाँ बचपन से हम तो जानते हैं कि अभी बिजली यहाँ आई है। तो बिजली ना होने की वजह से क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को? बहुत सी दिक्कतें हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत है, मोबाइल वगैरह चार्ज करना और सब खाना बनाने में हर चीज़ में दिक्कत है। तो जैसे आप लोगों को मोबाइल चार्ज करनी होती है या लैपटॉप चार्ज करना होता है तो 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बाजार में, तब वहाँ मोबाइल चार्ज होती है। पढ़ाई जैसे आप लोग करनी होती तो कैसे करते हैं? दिए लगा के करते हैं। अब पढ़ाई दिए से कैसे हो, ठीक से नहीं हो पा रही है। अगर बिजली हो जाती तो पढ़ाई ठीक से होती। तो क्या आप इंटर पास हुई तो लैपटॉप पाई थी? हाँ पाई थी, पर कोई लाइट की वजह से कोई जानकारी नहीं मिल रही, हम सीख नहीं पा रहे हैं लैपटॉप वगैरह कैसे चार्ज करें, कैसे चलाएं। मैं चाहती हूँ कि सलाहपुर ग्राम पंचायत की दलित बस्ती में तत्काल विद्युतीकरण हो, जिससे वहाँ के किसान मजदूरों व विद्यार्थियों की सुविधा मिल सके और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सके। मैं अपील करना चाहती हूँ कि DM सुरेंद्र कुमार की मोबाइल नंबर 9628-52-06-84 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं चंदा भारती, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, इंडिया, अनहर्ड के लिए।